नमस्ते, जय हिंद। आपने फिर जापान की स्कूल को देखा होगा और फाइनली आपने हमारे देश के कुछ एक चुने हुए लीडर्स के स्माइलिंग पोस्टर्स देखेंगे और अल्टीमेटली ये सब पूरा सम्मिलित करके मैं कुछ कहना चाहूंगा। किसको पकड़ में आया, क्या पकड़ में आया बताइए। यस शिपाल भाई sir, you first of all you showed us the kids in Japan where they are taught to hug each other and be loving and compassionate right from the childhood. Wonderful. second thing you showed us the pictures of the world leaders. Mm-hmm. It shows that despite their position and headaches and stress, they could still smile freely and enjoy their life. Very good. That's what I learned. Very good. Aur koi? Nanpan thi leine game tela mota thai ja avastha to rahu ji. Okay. Varshil. To apne tame je video batavyo Japanese kids no enathi mane ek vastu dhyane gayi ke importance of physical and human touch. કે નાનપણથી છોકરાઓને આ વસ્તુ જે શીખવાડવામાં આવે છે ને કાલ ઉઠીને આપણે અડલ્ટ લાઈફમાં જ્યારે આપણને સ્ટ્રેસ અને તણાવ આવે છે ત્યારે ધ અધર પર્સન મે નોટ રિયલાઇઝ બટ જસ્ટ ઇવન હગિંગ સમવન કેન બી રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ઇટ ઓલ્સો રિલીવ્સ એન્ઝાયટી એન્ડ પેનિક ઇન સમવન એલ્સ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, બહુ અચ્છા ધ્યાન ગયા આપકા. ઓકે, બહુ સારા પહેલુઓ કો કલેક્ટ કરકે મેં યે સબ મીડિયા આપકે સામને દિખાતા હું
और मेरा आशय ये होता है कि आपका ध्यान खींच जाए। और इसके पीछे दूसरा रहस्य एक ये भी है कि आप सब आपके सामने जो कुछ भी आता है आप उसको कैसे ले रहे हो। जो लोग मेरे साथ पहले से यात्रा कर रहे हैं उनका ध्यान चला गया होगा कि केवल एक ही मकसद है, अच्छी तरह जिंदगी जीना, अच्छे इंसान बनना, उत्सव पूर्वक जिंदगी जीना। तो जो जो आपके सामने आ रहा है क्या आप उसको उसी फ्रेम से इंटरप्रिट कर रहे हो? आज मैं मीडिया दिखा रहा हूं, कल आंख खोलोगे पूरी दुनिया मीडिया दिखाई रही है आपको। आपको क्या लेना है उसमें से, इसके ऊपर ही पूरा है। आंखें खोलते ही मीडिया दिख जाता है। अब आपके पर है कैसे इसको इंटरप्रिट करें। कान खुले हैं, कुछ ना कुछ तो जाएगा ही अंदर। अब आपके ऊपर है उसको कैसे इंटरप्रिट करें, क्या स्टैंड ले। देखिए मैंने आपको एक चीज और भी दिखाई थी मेरे वीडियो में आने से पहले, और वो था स्टिम्यूलस और रिस्पॉन्स की स्लाइड। यस राखी बहन, कुछ कहना चाहते हो? असल वही जो जो बच्चों का वीडियो था खास, कि उसमें हाथ जोड़ने से जो एक स्वीकार भाव आता है, तो सामने वाला जिस तरह उन्होंने बताया पहले वाले में कि अंदर अंदर झगड़े भी होंगे, कुछ मन मुटाव, कुछ मतभेद होंगे, वो सब एक बार हाथ जोड़े हुए देखने से ही आदमी के मन में स्वीकार्य हो जाता है, वो पर्सन स्वीकार्य हो जाता है, तो फिर शायद मुद्दे भी स्वीकार हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप किसके सामने झुकोगे? जिसके आपके अंदर स्वीकृति है उसके सामने झुकोगे ना। बहुत अच्छा पकड़ा है आपने, सामने वाले के प्रति आदर। भारतीय दर्शन तो ये कहता है कि हर एक के अंदर डिविनिटी है, तो जब हम नमस्कार करते हैं तो शरीर को थोड़ी नमस्कार करते हैं, उसके अंदर जो दिव्यता है जो चेहरे पर से नहीं पकड़ में आती पर है जरूर। एक बार गौशाला में मैंने गाय के सामने ऐसे हाथ जोड़े, एक बार कार में मेरे साथ कोई बैठा था, सामने से जैन मुनि लोग आ रहे थे, तो मैंने कार को साइड में किया, पार्क किया, मैं बाहर तो नहीं निकला लेकिन मैं ऐसे ही हाथ जोड़े। अब देखिए एक सांप्रदायिक एंगल से ऐसा भी उसको देख सकते हैं कि जैन मुनि को हाथ जोड़ के अपनी धर्म भावना को प्रदर्शित किया या सांप्रदायिकता को प्रदर्शित किया, पर मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए ये बहुत स्पष्ट है, मैं जब कोई जैन मुनि के सामने हाथ जोड़ता हूं तो मैं 2500 साल की एक अद्भुत परंपरा के सामने नतमस्तक हूं, उसके सामने मैं झुक रहा हूं। 2500 साल से देश में हमारे जैन मुनि चल रहे। देखिए ये है संस्कारिता की परंपरा। ये परंपरा का सम्मान नहीं करेंगे तो परंपरा टिकेगी कैसे? तो परंपरा का सम्मान करते हुए हम हमारे अंदर उसी गुणों को धारण करने की चेष्टा करते हैं। गाय के सामने झुकते हैं तो वो भी एक परंपरा है। गाय क्या हमें पालेगी, हम क्या गाय को पालेंगे, गाय हमें पालती है। राइट, ये नम्रता का भाव है। वैसे है तो वो पशु, शायद वो हमारे नम्रता के प्रणाम को शायद वो नहीं समझ पाएगी, पर हम उसके साथ कुछ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं वो तो वो समझ जाती है। राइट, प्रणाम का मीनिंग उसको आता हो या ना आता हो। तो चलिए आज हम जो काम करने वाले हैं, आज मैंने पूरा का पूरा एपिसोड कुंजल बहन को ध्यान में रख के डिजाइन किया है, क्योंकि कल एपिसोड की पूर्णावती के समय उन्होंने कहा कि ये शब्द पकड़ में नहीं आए, तो मेरा बिल्कुल ध्यान गया कि मैं काफी संस्कृत और हिंदी बोलता रहता हूं, और आज एक ही एपिसोड के अंदर मैं पूरे पूरे के पांचों के पांच तत्व आज एक साथ ले लूं। देखिए अभी आगे जो काम बचा है वो केवल 3 काम है, फिजिकल स्ट्रेटेजीज, मेंटल स्ट्रेटेजीज एंड इमोशनल स्ट्रेटेजीज टू कोप अप विद द स्ट्रेस। अभी तक मैंने जितनी आज एपिसोड खत्म होते होते जितनी यात्रा होगी वो पूरी समझदारी की यात्रा हो जाएगी पूरी। अभी एक बार समझदारी आ गई तो अब 3 काम आपको करने हैं, जिम्मेदारी, भागीदारी, ईमानदारी। समझदारी आ गई है तो जिम्मेदारी पूर्वक पेश आएंगे। राइट, आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप स्वयं लेंगे। आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कौन लेंगे? आप स्वयं लेंगे। ये हो गई जिम्मेदारी। फिर होगी भागीदारी। कैसे? आपकी जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा कि शेयर करना,
तो आप अपने पापा के साथ शेयर करो, अपने पति के साथ शेयर करो, दोस्त के साथ शेयर करो, बेटे के साथ शेयर करो, ये भागीदारी करनी होगी। ओके, फिर आता है ईमानदारी। ईमानदारी का क्या मतलब है? मैं तो देखने वाला नहीं हूं, पर तुम तो देखोगे ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक इतने दिन तक सुनी, समझी, सीखी, ईमानदारी से उसमें काम किया कि नहीं किया। अब जब हम फिजिकल स्ट्रेटेजीज देखेंगे, कल मैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन सिखाने वाला हूं आपको, और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के लिए शुद्ध संस्कृत शब्द कुंजलबेन शवासन, हिंदी में भी शवासन, गुजराती में भी शवासन, पर अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, क्योंकि मेरे मन में तीन स्ट्रेटेजीज है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। पर तैयारी रखिए, आज जैसे सत्र चलेगा संभावना यह भी है कि कल मैं पहले मेंटल स्ट्रेटेजी भी लूं, अपना कुछ नहीं, राइट, नो एजेंडा, क्यों अपने को स्ट्रेस में डाले, जैसे जिंदगी जाएगी वैसे जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब पांचों के पांच तत्व, क्या बताया था भगवान पतंजलि ने, कोई कह सकता है? संस्कृत श्लोक में बार बार बोला हूं, यस रजनी भाई, बढ़िया बताइए। अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अधिनिवेश, अग्नि, अभी 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 अभिनिवेश क्लेश। ओके गुड, बढ़िया। तो अब हम शुरू करते हैं अविद्या से। तो अविद्या का मतलब है इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव, इंफॉर्मेशन का अभाव, ज्ञान का अभाव, विद्या का अभाव, अविद्या। अब देखिए कितनी हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो जिंदगी जीने का हेतु, ये म्यूजिक कंटिन्यूस बजना चाहिए। अगर बीच में 10 मिनट के लिए भी ये स्टॉप हो गया तो आप, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम मकसद भूल जाते हैं। वो मैंने हनीमून वाली स्टोरी की थी माउंट आबू की, राइट, आचार की बोतल टूट गई, फिर पति पत्नी दोनों झगड़ा कर रहे, मैंने उनको याद दिलाया कि आप हनीमून पर आए हो, जिंदगी का मजा, एक दूसरे को समझने का मजा, एक अच्छे माहौल, मौसम का मजा, ये सब लेने लिए आए हो। आचार की बोतल फेंको, कपड़े धोलने दे दो, एंजॉय करो। तो जिंदगी जीने का हेतु है सुखी होना, ये ध्यान रहे। अगर हम प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है, खुश नहीं है, तो हम हेतु से भटक गए। तो विद्या सबसे पहली क्या लेनी है, क्या जानकारी लेनी है, मेरा पृथ्वी पर आने का मकसद सुखी होना है। अगर इसको किसी को डाउट हो तो अपने अंदर झांक कर देखिए, 2400 घंटा केवल और केवल सुखी होने के लिए आप सब कुछ करते हो। सुखी होते हो या नहीं होते हो, वो तो आपके प्रयत्न, आपकी निष्ठा, आपकी समझदारी पर निर्भर करता है, लेकिन प्रयत्न तो वही है। एक तो हो गया हेतु, अब दूसरा आता है इस हेतु को फुलफिल करने के लिए क्या कार्य करते हो। अभी सुखी होने के लिए कार्य करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन बारीकी से देखे ना तो जिसमें से जो नहीं मिल सकता उसके लिए सतत प्रयत्न करते हैं, और वो है सभी प्रकार की सुविधाएं, तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, ये सभी चीजें, इसमें कोई सुख नहीं है, फिर भी उसी के पीछे लगे। अभी 2400 घंटा सुख चाहिए, खाना 3 बार चाहिए, 3 बार खाने के लिए कितने घंटा लगाते हैं, और 24 घंटा चाहिए उसके लिए कितना समय लगाते हैं। तो हेतु है सुखी होने का, लेकिन कार्य कर रहे सुविधा पाने का, और क्या गलत है घुस गई है, सुविधा में सुख है। एक्चुअली सुविधा का कोई विरोध नहीं है, सुविधा सुविधा है, सुख सुख है, सुख संबंधों के अंदर है, सुविधा शरीर की कंफर्ट के लिए है, संबंध आपके लिए है। अब तीसरा डायमेंशन आता है कार्य करने का साधन। तो हेतु क्लियर हो गया, कार्य क्लियर हो गया, अब कार्य करने का साधन कौन सा? तो आपके पास एक साधन है आपका शरीर, और एक साधन है आपका मन। इसीलिए फिजिकल स्ट्रेटेजी इसमें देखनी पड़ेगी, और मेंटल इमोशनल स्ट्रेटेजी को देखना पड़ेगा। तो कार्य करने का साधन है दो, शरीर और मन। दोस्तों जिनकी भी अध्यात्म में थोड़ी रुचि है, ये यात्रा हुई है, इन्होंने ये शब्द सुने होंगे, बहिर्करण, अंतःकरण।
बहिर्करण यानी शरीर, अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, वृत्ति, चित्त, पर यहां हम केवल मन शब्द का प्रयोग करेंगे तो चलेगा। अभी देखिए, हेतु स्पष्ट हो गया, कार्य स्पष्ट हो गया, कार्य करने का साधन स्पष्ट हो गया, तो गड़बड़ी कहां होती है? कुछ एक आदतें, करने की आदत, सोचने की आदत, अनुभवने की आदत, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की आदत, सोच में गड़बड़ी, कंफ्यूजन, आउट ऑफ फोकस, ये सब आदतें। और करने की आदत, जैसे उठते ही ब्रश करते हैं, आदत वश करते हैं कि होश से करते हैं? अगर होश से करते हैं तो ब्रश दांतों में, पेड़ मसूड़ों में लग नहीं जाता, जिनको इंजरी हो जाती है जरा होश में आ जाए। तो आदतें, कुछ एक आदतों के प्रति सभानता होते ही मालूम पड़ता है कि इस आदत की वजह से मेरी गलतियां हुई। अब जब गलती कर रहे हैं उसी समय देखे, ध्यान दे, इसी को होश कहते हैं, तो गलती के प्रति इतनी हद तक जागरूक हो जाएंगे कि वो गलती दोबारा नहीं होगी। जब तक ये गलती बार बार रिपीट हो, याद रहे आपका इतना होश नहीं है, जोश बहुत है, होश नहीं है। और फाइनली अगर इतने तक की यात्रा अपनी विद्या में हुई है तो इतना स्पष्ट हो जाएगा कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता। दोस्तों, संस्कृत में उपनिषद में एक अद्भुत श्लोक है जो ये कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं, उससे दूर रहिएगा क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। और जो ये कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, उसके चरणों में बैठ जाइए क्योंकि वो बहुत जान चुका है। हमारे संस्कृत लिटरेचर की खूबसूरती ये है, बड़ी मन की शांत अवस्था में एकाग्रता से ऐसे शब्दों का चयन किया है। मैं तो हैरान हूं दुर्योधन के मुंह में क्या क्या वाक्य रखे। जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति ही, धर्म को मैं जानता हूं लेकिन कर नहीं सकता। मैं जानता हूं एक्सरसाइज अच्छी है लेकिन मैं कर नहीं सकता। जानामि अधर्मम च, मैं अधर्म को भी जानता हूं। न मे निवृत्ति, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मैं जानता हूं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। हम सभी के अंदर दुर्योधन बैठा है। तो दोस्तों, मैंने अविद्या के बारे में इतनी स्पष्टता की, हेतु, कार्य, कार्य करने का साधन, आदतें, गलतियां, विकास, कितने तत्व हो गए। कुंजलबेन प्रसन्न हो। तो अब मैंने ये कहा कि रजनी भाई मैं श्लोक भूल चुका हूं, तो अविद्या के बाद क्या आता है बताइए। अस्मिता। अस्मिता, तो कुंजल बेन ने कल ये कहा कि अस्मिता क्या है, तो मैंने कहा कि कल बताऊंगा। हालांकि आगे तो पांचों शब्दों की नॉर्मल नॉर्मल बात तो मैं कह चुका हूं, राइट। अच्छा, सभी लोगों ने अस्मिता पर्व नाम सुना होगा, फिर गुजरात की अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता, ऐसा सब सुना होगा। कई लोग तो अपनी बेटियों के नाम भी अस्मिता रखते हैं, राइट। अभी देखिए मजेदार बात, कहीं शादी हो रही होती ना, वो गौर महाराज पुरोहित जो शुद्ध संस्कृत नहीं बोलना आता, वो ऐसे मंत्र बोलते रहते हैं, सौभाग्यवती भव, उसका मतलब हो गया कि कन्या का पति तुरंत मरे, क्योंकि असौभाग्यवती, अ नहीं बोल सकते आगे, अ बोलने से मीनिंग बदल जाएगा, राइट। आप नॉर्थ में चले गए जाएंगे ना तो बोले तुम्हारी स्त्री लाओ, अगर ऐसा बोले तो झापट पड़ेगी क्योंकि वहां स्त्री के लिए स्त्री बोलते हैं। अगर कोई कहे तुम्हारी स्त्री लाओ, ई लगा देते हैं, स्त्री, स्त्री के बदले। और हम तो स्त्री बोलते हैं ये गुजरात में आयरन को, राइट। तो नॉर्थ में जाके किसी के घर आयरन मांगना लेकिन स्त्री मत मांगना। तो अविद्या अब दूसरी बात आई अस्मिता। गुजराती मां मैं कहूं तो ढाक पीछो अभिनिवेश माटे, अस्मिता माटे मैं शब्द कहो तो गौरव, राइट। पर मैं एवं आगल कहूं तो के मानी लीधेलू गौरव जे नथी एवं। तो आजे अस्मिता ने एकदम सिस्टमेटिक रीते व्याख्यायित करिए छे।
आज मैं जो व्याख्यात कर लूंगा फिर आप अस्मिता नाम शायद रखो शायद ना रखो। तो कुंजलबेन, अस्मिता का सिंपल इंग्लिश मीनिंग है इंडिविजुअलिटी, आई एम नेस, मेरा होना, मेरे होने के बारे में मेरे मन में जो ख्याल आता है उसको कहते हैं अस्मिता, मैं हूं, और इसके बारे में मेरे मन में जो ख्याल पकड़ के रखा है, मेरी इंडिविजुअलिटी के बारे में मेरे ख्याल, मेरी यूनिकनेस नहीं बोल रहा हूं ना, इंडिविजुअलिटी बोल रहा हूं। तो इंडिविजुअलिटी, मैं दूसरों से कुछ अलग हूं, ये इंडिविजुअलिटी है। अब देखते हैं कितने लेवल। सबसे पहले तो मेरी इंडिविजुअलिटी पहचान से, मेरी पहचान शरीर से, मेरी पहचान विचार से, मेरी पहचान उर्मियों से, पहचान यानी आइडेंटिटी। हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए मैं इतने शब्द बता रहा हूं, शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, विचार से करते हैं, उर्मियों से करते हैं, भूमिकाओं से करते हैं, वस्तुओं से करते हैं। जरा इसको हर एक को सटीक समझना होगा। तो देखिए शरीर से पहचान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यह सही स्टेटमेंट है कि मेरा शरीर पुरुष का है और मेरा शरीर स्त्री का है, यह सही पहचान है। मैं तो मानव हूं, मैं इंसान हूं, तो पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो, दोनों सुखी होना चाहते हैं, दोनों में अक्षय बल शक्ति संपन्नता कल्पनाशीलता के बारे में, दोनों में चॉइस कर्म स्वतंत्रता, दोनों को जिंदगी अच्छी चाहिए, दोनों को अच्छे संबंध चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूं अपने अंदर आप देख रहे हो ना, केवल एक प्रश्न पूछना है, मेरे पृथ्वी पर आने से इस पृथ्वी पर सुख और प्रेम की मात्रा बढ़ी कि कम हुई, केवल एक प्रश्न पूछना तो तय हो जाएगा क्या करना है। कितनों को ये समझ में आ रहा है, मैं छोटे छोटे जो नुस्खे दिखा रहा हूं उसके पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है। बिकॉज वॉट यू डू इंपैक्ट टू एंटायर ह्यूमैनिटी, तुम जो करते हो केवल तुम पर सीमित नहीं रहता। तो दूसरा शब्द है अस्मिता, तो पहचान, मेरी शरीर से पहचान। जैसे शरीर से पहचान बोलेंगे ना, पुरुष और स्त्री एक, फिर खूबसूरत हैंडसम ब्यूटीफुल दूसरा, हाइट कम हाइट ज्यादा, कुछ शेप, इसके चलते पूरा एक लंबा श्रृंखला, इसी का नाम है अस्मिता। आई एम ग्रेट इंडिविजुअल, मेरा जैसा कोई नहीं, ये शरीर तक हो गया। फिर मेरा विचार, मेरे विचार ग्रेट, तुम्हारे विचार कनिष्ठ नेस्ट, मेरे श्रेष्ठ तुम्हारे नेस्ट, ये हिंदी है नेस्ट, इंफीरियर मेरे सुपीरियर। फिर मेरी भावना महत्वपूर्ण, तुम्हारी कुछ नहीं, मैं रोऊं तो बड़ा दर्द, तुम रोओ तो ड्रामा, मैं गुस्सा करूं तो जेन्युइन, तुम गुस्सा करो तो नॉन जेन्युइन, मेरे से फूट जाए तो गलती, तुमसे चीज फूट जाए जबरदस्ती इंटेंशन से ही तोड़ डाला, मैं किताब पढ़ने ना बैठूं मूड नहीं, तुम किताब पढ़ने ना बैठो तुम्हें अच्छा पढ़ने का मन ही नहीं है, रखड़ना चाहते हो, मैं पिक्चर देखने जाऊं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जा रहा हूं, तुम पिक्चर जाने की बात करो कॉलेज बता पापा तन बढ़वा मुकलो चाहे पिक्चर जो मुकलो। ये है सभी इंडिविजुअलिटी के ख्याल। तो पहचान, पहचान यानी आइडेंटिटी। अमिताभ बच्चन को एक बार पूछा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, बोले मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस है। देखिए ये है शब्द भूमिका, एक पहचान हमारी भूमिका से। कुंजल में आपके सामने मैं शिक्षक हूं, राइट, ईशित के सामने मैं पिता हूं, सरिता के सामने मैं पति हूं, दुकान पे जाता हूं मैं कस्टमर हूं, रेलवे स्टेशन पर जाता हूं मैं ट्रैवलर हूं, क्या ये मैं सब हूं ना, ये सब मेरी भूमिकाएं हैं, रोल्स है। अगर मैं रोल में फिट हो गया दैट इज अस्मिता, और यही स्ट्रेस की वजह है। अब आप दिख रहा है आपको,
एक थर्ड टायर एसी की टिकट लेकर बैठने वाला व्यक्ति अपनी बर्थ के लिए अपना सामान ठुसाने के लिए इतना बवंडर खड़ा करता है खुद के लिए और को पैसेंजर के लिए। आपने कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि भूमिका में घुस जाते हैं। बहु दिवालियों जो तारी करता तन केटली खबर पड़े। आ बापा बोलिया, मानस नहीं बोलियो, बापा बोलिया, भूमिका में घुस गए। स्ट्रेस मन के अंदर, स्ट्रेस बच्चे के मन के अंदर भी स्ट्रेस। समझ में आ रहा है भूमिका कैसे प्रॉब्लम करती है? कुंजल बेन अस्मिता समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो पहचान हमारी किससे है? या तो शरीर से है, या अपने विचारों से है, अपनी भावनाओं से है, या अपनी भूमिकाओं से है। और कईयों को तो वस्तुओं से पहचान हो जाती है। जैसे मेरे पास 38 इंच का एलईडी टीवी है, ये मेरी पहचान। कोई संस्था का मैं सीईओ हूं, ये मेरी पहचान। तो मेरा अभिप्राय, मेरे विचार, मेरी बुद्धि, मेरी प्रायोरिटीज, ये सब मेरी पहचान। और लफड़ा कहाँ, स्ट्रेस कहाँ? मैं ही सही हूं, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए सामने वालों को गलत ठहराने के लिए मैं पूरी ऊर्जा लगा दूंगा, उसमें मैं गुस्सा करूंगा, झगड़ा करूंगा, सब कुछ करूंगा और सामने वालों की हालत बुरा कर दूंगा। मैं श्रेष्ठ हूं और कोई श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ सीख भी नहीं सकते, ये अस्मिता में फंस जाते हैं। अब आपको अस्मिता के बारे में एक शब्द और बता दूं। जब हम गुजरात की अस्मिता, भारत की अस्मिता बोलते हैं, एक एंगल से हम हमारी पहचान की बात कर रहे हैं। तो अस्मिता का मतलब पहचान हो गया। तो अहमदाबाद की पहचान, बोले सीधी सैयद की जाली। अब मैं उसके सामने सहमत नहीं हूं। अहमदाबाद की पहचान जिस शहर के मेयर सरदार पटेल थे एक जमाने में, जिस आश्रम में से एक व्यक्ति निकला कुत्ते और कौवे की मौत मरूंगा लेकिन स्वराज लेने के बिना आश्रम में वापस नहीं आऊंगा, ये अहमदाबाद की अस्मिता है भाई। फिर बहुत सारी चीज है, सब कुछ जोड़ो, मेरा सीधी सैयद की जाली से कोई विरोध नहीं, पर केवल हम पत्थर की चीज दिखाते हैं, हम इंसान को चूक जाते हैं। मुझे लगता है अस्मिता में क्या देखना है? वडनगर में तोरण देखना है कि वडनगर में उसी मोहल्ले में जाना है जहां कभी भारत के प्रधानमंत्री बचपन में खेला करते थे? देखिए, ना तो मैं भाजपा को बिलोंग करता हूं, ना मैं नरेंद्र मोदी की सभी चीजों के साथ सहमत हूं, पर मैं एक लोकशाही देश का नागरिक हूं और वे हमारे प्रधानमंत्री है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा पार्ट है। तो जरा देखें, उनके पड़ोसियों को मिले, ध्यान जा रहा है? अस्मिता कहां करेंगे? तो अस्मिता नेगेटिव वर्ड नहीं है। अब मैं आपको सही अस्मिता बताना चाहता हूं, जैसे स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। आप शरीर नहीं हो, ये आपकी सही पहचान है। आप शरीर से अलग कोई वास्तविकता हो, शरीर को देखने वाले साक्षी हो, शरीर को देखने वाले ऑब्जर्वर हो, दृष्टा हो, ये आपका सही पहचान है। इसके लिए गहराई से अपने आप को देखते रहना है और कुछ नहीं। अभी तो केवल बाहर की अस्मिता में से निकले, आई थिंक, मुझे लगता है सबको स्पष्टता होगी होगी। तो अब अविद्या को अस्मिता के साथ जोड़ दे। जिंदगी का मकसद नहीं मालूम, कार्य नहीं मालूम, आदतें गलतियां उसमें फंसे हुए हैं और उससे ऊपर एक टॉपिंग, आइसिंग ऑन द केक, इसमें तो उलझे हैं। और फिर उलझने वाला क्या कह रहा है? मैं जस्मीन चौधरी, मेयर ऑफ मेहसाणा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मेहोणा की मेयर हूं, राइट? और उससे आगे मेरा, यू डोंट नो, मेरे पासपोर्ट में दुनिया के 10 देश के वीजा है। तुम कौन हो? स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाने वाले। ये सभी प्रकार के स्टेटमेंट निकलेंगे तो आइसिंग ऑन द केक, एक तो अविद्या, ऊपर से अस्मिता। तो स्ट्रेस, हम देखिए मजा करते करते स्ट्रेस को सीख रहे हैं, तो अविद्या से जितने लफड़े हैं अस्मिता से भी इतने ही हैं। अभी चलो फिर से एक बार सरल हो जाए। कैसे सरल होंगे दोस्तों? छोटी छोटी टेक्निक। कभी भी जमीन पर बैठने की आदत मत छोड़ना। कुर्सी आपके हिप्स के नीचे रहे तब तक तो अच्छा है, कुर्सी जब माथे पे चढ़ जाए ना तो बहुत स्ट्रेस आता है।
कुर्सी माथे पे नहीं चढ़नी चाहिए, राइट? तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारी अस्मिता दूसरों के विकास में अवरोधक ना बने, इतना तो ख्याल करें तो कम से कम उतना स्ट्रेस तो कम हो जाएगा। क्लियर सभी को? अस्मिता, अविद्या अस्मिता में कोई क्वेश्चन? सो अविद्या इज इग्नोरेंस, अस्मिता इज इंडिविजुअलनेस। यस यस चंद्रेश, કરતો હોય છે અને અસ્મિતા હોય છે અને સાથે અવિદ્યા બી હોય, ઇગ્નોરન્સ, એને ખ્યાલ જ ના આવે કે હું પોતાની જ મોટી વાત કરું છું અને પોતે સેન્ટ્રલાઇઝ વાત કરું છું, તો એ બંનેનું કેવી રીતે, લાઈક અસ્મિતા અને અવિદ્યા બંને છે અને ખાલી મોટાઈ કરું છું અને મને ખ્યાલ જ નથી કે કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બટ આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ ઓન સ્પીકિંગ અબાઉટ માય સેલ્ફ, અને એ અવિદ્યા બી છે, સો એ આમાંથી બહાર આવે જ નહીં, ઓલ ધ ટાઈમ હી ઇઝ ઓલવેઝ સેમ, એ બહાર આવે નહીં એસા નહીં કહી સકતે, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर निहित पोटेंशियलिटी है देखने की, अगर वो स्वयं उसका ध्यान चला जाए, कोई दिखा दे, कोई अकस्मात हो जाए और ध्यान चला जाए। मैं बताता हूं कैसे ध्यान जाता है, कैसे ध्यान जाता है। डीसा में एक डॉक्टर है, ऐसे वेल ड्रेस डॉक्टर मैंने नहीं देखे, बहुत वैरायटी है, ट्रैक में भी आए ना तो नाइट सूट अलग, मॉर्निंग सूट अलग। अरे रात को कल यार फाइनल इवनिंग सेशन में ये कपड़े पहने थे, बोले मॉर्निंग में मैं अलग कपड़े पहनता हूं। तो देखिए इतनी वैरायटी के कपड़े हैं, शौक भी ऐसे ही, घर पे जाओ तो म्यूजियम जैसा घर, बात में भी यही आया। चंद्रेश उनका बेटा सुइसाइड करके गुजर गया, पूरी दुनिया शैटर हो गई। मैंने उसको इतना निस्तेज कभी नहीं देखा था, मुझे इतना बुरा लगा उनको मिलके कि वो पूरा सब कुछ चला गया। तो जब हमारी पहचान हमारे कपड़ों से, वस्तुओं से, स्टेटस से हो जाती है और वो जब निरर्थक लगने लगता है, और विद्या है नहीं कि मैं सही में क्या हूं, तो बड़ी भारीपन हो जाता है। इसीलिए इनका तो ध्यान चला गया, एक दूसरा ध्यान जाने की जगह है, उसको कहते हैं स्मशान। लोग जब स्मशान में जलती हुई चीता को देखते हैं तो सडनली उनको ख्याल आता है, अरे यार ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। पर इसको स्मशान वैराग्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्मशान तक सीमित रहता है, जैसे बाहर आते हैं तो ध्यान तो जाता है। देखिए ध्यान स्वयं दे सकते हैं, कोई दिला सकते हैं, जो ध्यान दिलाए उसी को गुरु कहते हैं। अब देखिए गुरु का मीनिंग, गुरु का मीनिंग ये है जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की रोशनी दिखा दे, वो गुरु है। जो खुद को दिखाए वो गुरु नहीं है। इसलिए सही में गुरु अपना महिमा कभी नहीं करेगा, उसके शिष्य उसके महिमा करेंगे, स्वयं गुरु नहीं करेंगे। गुजरात ऐसे अद्भुत गुरुओं से समृद्ध है, गांधी एक का नाम बता चुका हूं मैं, जिन्होंने ये कहा था कि सत्य और अहिंसा पहले से ही है, मैंने नहीं कहा। डिड आई मेक सेंस, समझ में आया? गुड। अब हर्षा। हेलो सर, सर आपने कहा कि एक कंटिन्यूअस अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब अवेयरनेस ध्यान जाना चाहिए, तो सर कंटिन्यूअस अवेयरनेस कैसे रहे? कि कई बार कैसे क्या होता है कि बाहर निकलते हैं तो प्रभाव इतना हो जाते हैं ना कि खुद पर से ध्यान हट जाता है, तो एक कंटिन्यूअस खुद पर अवेयरनेस रखने के लिए व्हाट शुड बी डन? मन की गति अति चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से आप उसको नियंत्रित कर सकते हो। प्रैक्टिस, और शुरू करो अपने सांस को देखने से पहले, राइट? अनुकूलता मिले तो 10 दिन विपश्यना ध्यान के शिविर में चले जाइए, अगर ये अनुकूलता नहीं है तो कम से कम पहले 5 मिनट 10 मिनट, फिर धीरे से कोई पंछी को देखिए, कोई पेड़ को देखिए, बिना कुछ किए केवल अपने साथ बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम सभी की समस्या क्या है, खुश होने के लिए हमें सामान चाहिए, म्यूजिक चाहिए, टेलीविजन चाहिए, हम भूल गए हैं खुश होने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, खुश होके हम सब कुछ करना है। गड़बड़ी क्या होता है, हम करके खुश होना चाहते हैं, एक्चुअली करके कुछ हो ही नहीं सकते, खुश होके सब कुछ करना है। करके केवल टेम्पररी थोड़ा प्लेजर है,
खुशी तो इनेट नेचर है आपका, जो चेहरे पर से छलकती है, कामों में झलकती है। खुशी अंदरूनी डायमेंशन है, हंसना एक्सटर्नल डायमेंशन है, पर खुशी अंदर हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। हालांकि ड्रामा करने वाले चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो इनेट है, इनहेरेंट है, अंदर है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सर एक और, कि आपने बताया कि अहंकार और सेल्फ कॉन्फिडेंस का डिफरेंस, तो जैसे एक इंसान को मालूम पड़ जाएगा दैट ही इज इन अ स्टेट ऑफ एरोगेंस और अहंकार, तो उनका शिफ्ट ट्रांजिशन कैसे हो सकता है फ्रॉम अहंकार टू सेल्फ कॉन्फिडेंट? क्या मेरे कोई कुछ भी अभिव्यक्ति से किसी को मैं आहत करता हूं तो एरोगेंस है? मेरे अभिव्यक्ति से, मेरे कम्युनिकेशन से कोई आहत हो जाता है तो केवल अहंकार का प्रदर्शन है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंट व्यक्ति दूसरे को आहत नहीं करेगा। मजेदार हर्षा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्योंकि तुम शिक्षक हो। मेरे घर पे अहमदाबाद से एक ट्रेनर आए। अब उनकी एजेंडा यह था कि सुरेश भाई ऐसे सक्सेसफुल ट्रेनर है तो मैं उनके पास से कुछ ऐसी चीज जान लूं। तो वो कॉम्पिटिटर बन के आए थे। मैंने तो जितने भी रहस्य एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग में सक्सेसफुल शिक्षक को चाहिए वो तो बांटता ही रहता हूँ। तो मैंने उनको वो सभी चीज़ें बताई कि भाई अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है तो क्या करना है, सभी चीज़ें बताई, नॉलेज डायमेंशन, स्किल डायमेंशन, सब एटीट्यूड डायमेंशन। वो आधा घंटे का समय लेके आए थे, हम पूरा ढाई घंटे बैठे। उसके बाद जब वो चलने वाले तो मैंने कहा कि आपने जो नहीं पूछा वो दो तीन चीजें मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। नंबर एक, हमेशा चालू कार्यक्रम में बीच बीच में पानी पीजिए, पानी पीजिए, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाइए जिस दिन बोले हो। जिस दिन कुछ चिकनी चीज खाइए, चाय नहीं पीता, कॉफी नहीं पीता, ऐसे नखरे करने के बदले चाय कॉफी पी लीजिए, गले में कोई चिपकाव नहीं चाहिए। तीक्ष्ण चीजें मत खाइए, तीक्ष्ण एकदम तीखी, तम तमाती, बहुत तैली चीजें मत खाइए ताकि गले खराब ना हो। और जिंदगी का पूरा मजा लीजिए, समोसे खाइए, पकोड़े खाइए, बाजार की चीजें खाइए, लेकिन फ्रीक्वेंसी तय कर लीजिए तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गला अच्छा रहेगा। और गला तुम्हारे लिए एसेट है क्योंकि उसी के ही तुम बोल पाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हुआ क्या, वो व्यक्ति चले गए। उसके बाद में उन्होंने मुझे 5-7 दिन के बाद फोन किया फिर से, आई वॉन्ट टू कन्फेस। क्या कन्फेस? सुरेश भाई, उस दिन मैं कॉम्पिटिटर के स्वांग में आया था, आपको तो पकड़ में नहीं आया होगा कि आया होगा, लेकिन आपने सब कुछ मेरे सामने खोल दिया, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, मैं आपका कॉम्पिटिटर बनने आया था, मैं आपके सामने खड़ा होने चाहता हूं, मैं विनम्रता से हाथ जोड़ता हूं। दोस्तों, अब मैं मेरी बात बताता हूं। इस पृथ्वी पर ट्रेनिंग में या टीचिंग में मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सभी मेरे सहयोगी है अथवा गुरु है। इसीलिए देश के अग्रिम ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि कुमार पंड्या जी के साथ मैंने एज ए कलीग काम किया है। इनके साथ काम करना एक बड़ा सौभाग्य है। स्वामी अनुभवानंद जी के साथ मैंने काम किया है, राइट? और भी मैं बता चुका हूं मेरी जिंदगी में डॉक्टर किरण वेदी, बचेंद्री पाल, अतुल करवल, ये सभी ग्रेट अचीवर्स लोग आए क्योंकि मैं हमेशा विद्यार्थी बना रहा हूं। सीखने की बात, सभी से सीखो, अच्छा सीखो, ऐसा कभी कहा ही नहीं कि हमारे जैसा कोई नहीं। मैं शिक्षक हूं तो मैं बताऊं, मेरे विद्यार्थी को मैं सब कुछ देने का मेरा मन करता है, सब कुछ लुटा दूं, सब कुछ दे दूं, ऐसा मेरे अंदर भाव होता है। या जो भी मेरे विद्यार्थी वो सब इसके साक्षी भी है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक चीज है, एरोगेंस दूसरी चीज है। सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति और सीखना चाहेगा, विनम्र रहेगा, दूसरों को भी सिखाएगा, ज्ञान चला नहीं जाएगा। तो उस ट्रेनर के मन में ऐसा था कि मैं नहीं कहूंगा, बट बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट, लेट मी टेल माई कॉन्फिडेंस। इस संसार में मेरे से भी अधिक अच्छे शिक्षक है, पहले भी थे और आगे भी आएंगे, लेकिन अभी जो सुरेश पटेल अभिव्यक्त कर रहा है, हो रहा है, ऐसा ना पहले अभिव्यक्त कभी हुआ था, ना अभी हो रहा है, ना कभी होगा।
क्योंकि इस माहौल में, इस ऑडियंस में, इस मनस्थिति में, इस परिस्थिति में जो अभिव्यक्ति हो रही है वो यूनिक है। और इस यूनिकनेस का मतलब, मैंने कतई ये नहीं कहा है कि दूसरों से बेहतर है, मैंने कहा है यूनिक है, क्योंकि अभी राखी बहन भी है, जिग्गा भी है, ईशित भी है, ईशान भी है, श्रीपाल भी है, हर्षा भी है। ये कॉम्बिनेशन रिप्लीकेट नहीं हो सकता। कैन यू सी दैट? आप जिंदगी के अलग अलग समय पर अलग अलग मनस्थिति के साथ मेरे सामने उपस्थित है, और मैं आपकी मनस्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेरे अंदर जो अभी प्रतिबिंबित हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अपना श्रेष्ठ देने की चेष्टा में, और मैं आपके साथ 100% हूं। इसलिए ये यूनिकनेस हो सकती है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।